Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. And I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Kannada Girls Study College, University of Allahabad. And uh, this time I am going to uh, discuss with you Swami Vivekananda's views on education, or, or you can say Vivekananda's educational philosophy. And the lecture will be in bilingual mode, and it must be useful for all of you who are.

एम ए बी एजुकेशन एम एजुकेशन या बी एडमिट कर रहे होते हैं हमको कहीं ना कहीं एजुकेशनल थिंकर्स पढ़ने होते हैं एजुकेटर्स पढ़ने होते हैं वेस्टर्न इंडियन तो जब हम इंडियन एजुकेटर्स या थिंकर्स की बात करते हैं तो कुछ जो है वो हमको पढ़ने ही पड़ने हैं जैसे गांधी जी हो गए आपके टैगोर हो गए विवेकानंद हो गए तो स्वामी विवेकानंद के व्यूज़ बहुत पूछे जाते हैं आपसे और आपको इन जनरल भी पता होना चाहिए कि इतने महान विचारक हमारी धरती पर आकर जा चुके हैं तो उनके विचारों से हमें इन जनरल भी परिचित होना चाहिए ओके तो शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद है ना तो विवेकानंद जी को हम सभी जानते हैं सभी जानते हैं शायद ही कोई ऐसा हो जो इनके नाम से परिचित ना हो इतना इनका छोटा सा पर अभूतपूर्व जीवन काल रहा हम्म तो स्वामी विवेकानंद के हम आपको पता होगा कि 12 जनवरी इनका डेट ऑफ बर्थ है उसको हम लोग युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं है ना क्योंकि युवा शक्ति से बहुत ये बहुत उसको ओत प्रोत करना चाहते थे बहुत इन्होंने युवाओं के लिए बोला था बताया था कैसे रहना चाहिए क्या करना चाहिए तो इनका हम एजुकेशनल फिलासफी जान लें तो हमारे लिए कई इस पर सवाल बनेंगे उसके उत्तर आप दे सकते हैं आपको इन जनरल आपको मोटिवेशन मिलेगा और अगर आपके कोर्स में है तो आपका क्वेश्चन भी उससे फुलफ़िल हो जाएगा ओके okay, तो स्वामी विवेकानंद जी का जीवन काल बहुत छोटा रहा अठारह से सिर्फ 1902 अ ग्रेट थिंकर एंड रिफॉर्मर ऑफ इंडिया कहा जाए तो ये भारतवर्ष के बहुत महान विचारक और रिफॉर्मर में से रहे इम्ब्रेसिज एजुकेशन जिन्होंने एजुकेशन पे बहुत बात की है विच फॉर हिम सिग्निफाइज अगर एक शब्द में आप कहें कि विवेकानंद जी की एजुकेशन क्या है तो आप बोल सकते हैं कि मैन मेकिंग एजुकेशन है आपसे तो आपको बिल्कुल को रिलेट करके चलना है कि विवेकानंद जी की एजुकेशन मैन मेकिंग है तो अब मैन मेकिंग का मतलब क्या है मैन मेकिंग मैन का मतलब ऐसा नहीं कि वुमेन मेकिंग नहीं है मतलब इन जनरल कहा जा रहा है मनुष्य का निर्माण कह सकते हैं आप <coughs> As, <coughs> sorry, it's too, too, too cold today here. Hmm. As the very mission of his life, इन्होंने कहा कि मनुष्य का निर्माण जो है इनकी जिंदगी का मुख्य उद्देश्य था। क्या कहा इन्होंने? कि the basic theme of his philosophy was the spiritual unity of universe. देखिए बात ये man making कर रहे हैं, की कर रहे हैं, लेकिन जो philosophical इनका theme है, वो कहाँ से जुड़ता है जाके? Spiritual unity of universe, यानी कि जो ब्रह्मांड है, उसमें आध्यात्मिक एकता है विच हैज इट्स मूविंग्स इन वेदांत और जिसकी जड़ें, जिसकी जंजीर हमको जाकर मिलती है वेदांत में वेदांत से अध्यात्म से प्रेरित होकर ये इंसान ये मनुष्य हमको बता के गए कि मनुष्य का निर्माण शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए और जो ब्रह्मांड है उसमें एक स्पिरिचुअल यूनिटी है और क्या कहा इन्होंने विवेकानंद रियलाइजेस दैट मैन काइंड इज पासिंग थ्रू अ क्राइसिस और उन्होंने महसूस किया कि जो मनुष्यत्व है जो मनुष्यता है वो एक क्राइसिस के दौर से गुजर रही है बहुत कष्ट है

लाइज वेरी पर्पस ऑफ एजुकेशन और ये कहते क्या है ये हमसे चाहते क्या है इन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि जो मनुष्य है उसके अंदर ये जागृति आ जाए कि उसका स्पिरिचुअल सेल्फ है और वो जाके ब्रह्मांड में वो जाके ईश्वर से जुड़ता है कहीं है ना तो ये अगर उसके अंदर अवेकनिंग आ जाएगी तो वो खुद ही प्रेरित हो जाएगा अवेयर हो जाएगा और सारी जितनी भी इग्नोरेंस है जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर कर लेगा ये इनका मुख्य उद्देश्य था <coughs> जो ये हमें बताना चाहते थे स्वामी विवेकानंद प्रेजेंटेड ट्रू इंडिया टू दी होल वर्ल्ड हम सभी लोगों ने अपने बचपन में कहीं ना कहीं हम लोगों ने पढ़ रखा है विवेकानंद जी के बारे में और शिकागो सम्मेलन के बारे में कि कितना इन्होंने मतलब भारतवर्ष को पूरी दुनिया के मतलब पटल पर लाकर रख दिया और जैसे ही इन्होंने कहा भाइयों और बहनों जितने भी और विचारक आ रहे थे बोलने वाले आ रहे थे वो क्या बोल रहे थे अमेरिकन अमेरिकन है ना ऐसे करके बोल रहे थे उन्होंने भाइयों और बहनों मतलब उन्होंने जोड़ दिया सबको कि पूरा विश्व जो है वो जुड़ा हुआ है concept, किसका concept ये वहां प्रदर्शित किया कंसेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम जो भारत वर्ष जिसकी जननी है जिसने ये सब हमें बताया है कि वसुधैव पूरा वसुधा पूरी पृथ्वी ही एक कुटुंब है दर्ल्ड इज वन दी ओनली बी कन लाइट फॉर सर्वाइवल ग्रोथ एंड रियल प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी पर्टिकुलरली इन दिसन वर्ल्ड ऑफ टूडे मतलब जो हर जगह इतना मार काट और ये सब चल रहा है इतना हम्म ये अगर पूरी वसुधा को ही हम परिवार मान लेते हैं मिलजुल रहेंगे परिवार का क्या कंसेप्ट होता है कि आप मिलजुल के रहेंगे एक दूसरे का सुख दुख में साथ देंगे है ना तो ये जो कंसेप्ट है इंडिया का वो वो पूरे विश्व के पटल पर लाए तो ये एक छोटा सा इनका यू कैन से इंट्रोडक्शन फिर एजुकेशन पे इनके व्यूज से हमको मेन uh, कंसर्न है अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद एजुकेशन इज दैट विच लिबरेट्स ये कह रहे हैं कि शिक्षा वो है जो मुक्त करती है सा विद्या या विमुक्त ये विद्या वो है जो मुक्त करती किससे मुक्त करती है दैट लिबरेट्स वन फ्रॉम नेगेटिव टेंडेंसीज एंड इग्नोरेंस अबाउट वन रियल सेल्फ यानी जो हम अपने वास्तविक स्व को पहचानते नहीं हैं उसके बारे में जो अज्ञान है हमारे अंदर और जो हमारी नेगेटिव टेंडेंसीज है उनसे हमको मुक्त करती है शिक्षा ऐसी शिक्षा होनी चाहिए इन विवेकानंद टू कॉम्प्रीहेंड वन सेल्फ विद इन एज दि सेल्फ एवरीवेयर है ना यानी कि सबके पास वो अंश है वो सबके पास है और हमारे अंदर भी है ये अवेकनिंग शिक्षा के द्वारा हमको आनी चाहिए

परमात्मा का ही अंश उसके अंदर है है हाउ एवर एजुकेशन दस सिग्निफाई डज नॉट पॉइंट टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द सोल इन आइसोलेशन फ्रॉम बॉडी एंड माइंड और बार बार ये कह रहे हैं कि जो हमारा सोल है वो बॉडी और माइंड के आइसोलेशन में नहीं डेवलप होना चाहिए बॉडी माइंड और सोल सॉरी तीनों डेवलप होने चाहिए है ना तो इस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए इन स्कीम ऑफ एजुकेशन स्वामी जी इनकी ग्रेट स्ट्रेस ऑन फिजिकल हेल्थ आपने देखा होगा जितनी भी आप मूर्ति देखते हैं फोटोज देखते हैं उनकी वो कितने सौष्ठ शरीर उनका उनका बहुत बहुत सुडौल था, बहुत था अच्छा उनका फिजिकल हेल्थ थी तो इसलिए वो फिजिकल हेल्थ पे बहुत स्ट्रेस देते हैं और कहते हैं कि एक असाउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी मतलब ये तो ऑब्वियस है ना कि हम बीमार हैं तब तो हमको पहले हम अपना शरीर सुधारें पहले हम शरीर से मजबूत बने तब हमारा माइंड जो है वो साउंड हो सकता है बढ़िया हो सकता है अच्छी चीजें सोचेगा पहले <coughs> शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति चाहिए ही ऑफन कोट्स द उपनिषदिक उपनिषदिक डिक्टम नया बाल बालहिनेन लाभयते इन्होंने कहा कि दैट इज द सेल्फ कैन नॉट बी रियलाइज्ड बाय द फिजिकली वीक यानी कि जब तक हम फिजिकली वीक हैं तब तक तो हम अपने सेल्फ को रियलाइज नहीं कर सकते तो सबसे पहले हमको फिजिकली स्ट्रेंथ हमको चाहिए फिजिकली हमको स्ट्रांग होना है हाउ एवर अलॉन्ग विद फिजिकल स्ट्रेंथ ही ऑन द नीड ऑफ पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द कल्चर ऑफ द माइंड यानी कि हमको शरीर पर भी ध्यान देना है हमको मन पे भी ध्यान देना है तो इनका जो फिलॉसफी है वो एक तरीके से जो ये एजुकेशन को देखते हैं वो कहते हैं कि बॉडी माइंड एंड सोल तीनों का विकास होना है अकॉर्डिंग टू स्वामी जी दी माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टू बी कंट्रोल्ड एंड ट्रेन थ्रू मेडिटेशन फिर इन्होंने किस पर महत्व दिया मेडिटेशन पर योग पर जिस पर पूरी दुनिया अब बात कर रही है हम लोग योग दिवस मनाने लगे हैं अठारह में, में इनका जीवन काल है आप समझ सकते हैं उन्नीस में अठारह सॉरी हम्म 1902 में इनकी मृत्यु हो गई तो किस समय ये बात कर रहे हैं हमको हर, हमेशा मैं बात कहती हूँ कि जब भी आप कोई थिंकर पढ़े आपको उसका देश काल समय देखना चाहिए कि, कि किस वक्त वो 100-200 साल आगे की बात करने वाले लोग हैं तभी इनको आज तक पढ़ाया जा रहा है पढ़ा जा रहा है है ना तो उन्होंने कहा कि माइंड जो है हमारे स्टूडेंट्स का माइंड है उसको नियंत्रित करना आना चाहिए और प्रशिक्षित करना चाहिए मेडिटेशन से कंसेंट्रेशन से एंड प्रैक्टिस ऑफ इथिकल प्योरिटी ऑल सक्सेस इन एनी लाइन ऑफ वर्क ही पावर ऑफ कंसेंट्रेशन वो कह रहे हैं कि कोई भी क्षेत्र है अगर हम उसमें प्रगति चाहते हैं तो हमको कंसेंट्रेशन की पावर हमारे अंदर होनी चाहिए और हम जानते हैं कि आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं आजकल का जो यूथ है जो स्टूडेंट है जो बच्चा है वो बिल्कुल भी कंसेंट्रेशन पावर नहीं है ना आप खुद महसूस करते होंगे मतलब जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए फिर आप टीवी में क्या आ रहा है मोबाइल में क्या नोटिफिकेशन है फेसबुक पे क्या अपलोड हुआ है ट्विटर पे क्या है ये सब हमको नहीं देखना सोचना समझना है उस वक्त जिस वक्त जो काम कर रहे हैं पूरी कंसेंट्रेशन के साथ वही काम करना है

रोजगार उसको मिल जाए अपने अपना आजीविका वो चला पाए अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए अच्छे से रहे नियमों का पालन करे सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंतर्गत द ट्रेनिंग बाई विच एंड बिकम फ्रूटफुल इज कॉल्ड एजुकेशन वो कह रहे हैं कि एजुकेशन वो ट्रेनिंग है जिससे हम करेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ विल आर ब्रॉट अंडर कंट्रोल मतलब हम हर हर चीज जो दिमाग में आती है उसका हमको यथार्थ में उसको लाने की जरूरत नहीं है उसको हमको नियंत्रण करना सीखना है कि कौन सी विल हमको एक्सप्रेस करनी है कौन सी नहीं करनी है और क्या फ्रूटफुल है ये शिक्षा है ही वांटेड टू रीइंट्रोड्यूस वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड एम्बाइड ह्यूमन वैल्यूज इन पीपल वो चाहते थे कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को रीइंट्रोड्यूस किया जाए ह्यूमन वैल्यूज पीपल में एम्बाइड की जा सके ही सेड दैट एजुकेशन शुड कवर ऑल पार्ट्स ऑफ मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि चूंकि वेदांत से प्रभावित है तो सिर्फ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो वो फिजिकल डेवलपमेंट तो कह ही रहे हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह रहे हैं इवन वो मटेरियल डेवलपमेंट की भी बात करें हैं इमोशनल डेवलपमेंट मॉरल डेवलपमेंट मतलब कहते हैं ना एजुकेशन मस्ट बी दी ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी तो सब कुछ डेवलप कर सके ये एजुकेशन के पास पार होनी चाहिए हिज टीचिंग्स पर बेस्ड ऑन रामकृष्ण स्पिरिचुअल टीचिंग्स ऑफ द डिवाइन मैनिफेस्टेशन आपको पता होगा कि वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए थे बाद में <coughs>

एजुकेशनल फिलोसफी की अगर उनकी बात करें तो वो हमको उनकी एजुकेशनल फिलोसफी में तीन तरीके की फिलोसफीज का ब्लैंड मिलता है आइडियलिज्म नेचुरलिज्म प्रेगमेटिज्म कैसे नेचुरलिस्टिक व्यू पॉइंट अगर देखें तो वो कहते हैं कि रियल एजुकेशन इज पॉसिबल ओनली थ्रू नेचर एंड नेचुरल प्रोपेन्सिटीज

मैन मेकिंग फॉर हिम मीन्स अमोनियस डेवलपमेंट ऑफ दॉडी माइंड एंड सोल मतलब इनके हिसाब से मैन मेकिंग एजुकेशन का क्या मतलब है अब हमको समझ जाना चाहिए कि मनुष्य का निर्माण तब होगा जो एक harmonious मतलब भी एक हार्मोनियस मतलब सामंजस्य पूर्ण विकास होगा उसके मन मस्तिष्क और मन आत्मा और शरीर का इसके अलावा उनकी एजुकेशनल फिलोसफी में हमको किसकी झड़क मिलती है विवेकानंद सीम्स टू एग्री विद फ्रॉबल

विवेकानंद जी की फिलॉसफी का समर्थन करते हैं और वो भी कहते हैं कि दी हाइएस्ट एजुकेशन इज दैट जो सबसे उच्च स्तरीय शिक्षा है वो क्या होगी इट वो केवल हमको इन्फॉर्मेशन या सूचना नहीं देगी बल्कि हमारी हमारा जो जीवन है उसको हमारे जितना अस्तित्व हमारी जितनी बीमाएं हैं उन सब में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए ठीक है

Uh, मतलब कि सब कुछ बालक के अंदर अंतर्गत निहित है शिक्षक को क्या करना है सिर्फ उसको बाहर निकालना है या उसको अवेयर कराना है कि तुम कितने शक्तिशाली हो ही hmm, हमें सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी की हेल्प करनी है ताकि वो अपनी नॉलेज का उसको मैनिफेस्टेशन हो जाए बाय रिमूविंग द ऑब्स्टिकल्स इन इट्स वे जो जो उसके मार्ग में इस कार्यक्रम में बाधक तत्व हैं उनको हमको हटाना है इन इज वर्ड्स उनके शब्दों में <coughs> दस वेदांत दैट विद इन मैन इज ऑल नॉलेज हमारे अंदर ही सारा ज्ञान है इवन इन ए बॉय मतलब एक छोटे बालक में भी है

मदर टंग या मातृभाषा ही सही माध्यम है शिक्षित करने का और खासतौर से मासेस को देखिए इन्होंने मासेस के एजुकेशन की भी बात की है कि जनमानस को शिक्षित बनाइए तभी वो उत्थान उसका संभव है लेकिन इसके अलावा इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी माध्यम से भी शिक्षा के लिए प्रिस्क्राइब किया फिर इंडिविजुअल यानी कि इतना हम लोग को इतनी देर में पता चल गया कि ये बार बार बॉडी माइंड एंड सोल के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो वो सारे विषय जो इसके लिए ज़रूरी हैं उसका इन्होंने इंक्लूजन किया अपने करिकुलम में जैसे इन्होंने कहा कि फिजिकल कल्चर पढ़ाइए एस्थेटिक्स पढ़ाइए फाइन आर्ट्स पढ़ाइए क्लासिक्स पढ़ाइए लैंग्वेज पढ़ाइए रिलीजन पढ़ाइए साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ाइए अब एन ई पी दो हजार बीस आई है दो सौ साल बाद वो कह रही है कि आप हमारे इथस से भी जुड़े रहिए कल्चर से जुड़े रहिए रूट से जुड़े रहिए और एडवांसमेंट <coughs> को भी अपनाइए स्वामी जी ये भी अब बात दो सौ साल पहले कह के गए हैं द कल्चर ऑफ इंडिया हैज इट्स रूट इन हर स्पिरिचुअल वैल्यूज

He observes that although men and women are equally competent in academic matters, मतलब ये उस वक्त कह रहे हैं कि men और women जो है वो equally competent कॉम्पिटेंट और कितने सालों तक हम लोग इस भ्रम में रहे इसको जीते रहे कि नहीं वीमेन्स uh, women are intellectually हैं hain के है ना na yet women have a special aptitude and competence for studies related to होम एंड फैमिली उन्होंने कहा कि मतलब इसलिए घरेलू जो विषय हैं उनके प्रति चूंकि उनका स्पेशल एप्टीट्यूड होता है तो वो भी उनकी शिक्षा में शामिल किया जाए ये उनका व्यू पॉइंट था Okay. तो अगर हम कंक्लूजन चाहें कंक्लूड करना चाहें स्वामी जी के जो शिक्षा पे हैं तो हम कैसे करेंगे द एक्सपोजिशन एंड एनालिसिस ऑफ विवेकानंद स्कीम ऑफ एजुकेशन ब्रिंग्स टू लाइट इट्स कंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिकल एंड कॉम्प्रिहेंसिव कैरेक्टर मतलब उनके हिसाब से शिक्षा का चरित्र प्रायोगिक होना चाहिए व्यापक होना चाहिए और संरचनात्मक होना चाहिए ही रियलाइजेज दैट इट इज ओनली थ्रू एजुकेशन दैट द अपलिफ्ट ऑफ द मासेज इज पॉसिबल उन्होंने ये महसूस किया और हमें बताया कि अगर हम जनमानस के जीवन स्तर को सुधारना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा वो माध्यम है He strives to harmonize the traditional values of India with the new values brought through the process of science and technology. मतलब उस वक्त वो विज्ञान और तकनीकी के महत्व को समझ रहे हैं और इंक्लूड करना चाह रहे हैं कि हमको अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ साथ इनको भी लेके चलना है तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको कैसे कोट किया था कि रूटेड इन दास्ट एंड फुल ऑफ प्राइड इन इंडिया प्रेस्टीज विवेकानंद वॉज येट मॉडर्न इज इन अप्रोच ऑफ लाइफ मतलब हमारे पास्ट में आ, हमारी जड़ों से वो जुड़े हुए हैं उसमें गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद विवेकानंद जी इतने आधुनिक थे कि नई अप्रोच को वो अपनाते थे है ना एंड वाज अ काइंड ऑफ ब्रिज और एक तरीके के सेतु का, का काम करते थे बिटवीन द पास्ट ऑफ इंडिया एंड हर प्रेजेंट हिज मिशन वाज द सर्विस ऑफ मैनकाइंड थ्रू सोशल सर्विस इन्होंने कहा ना कि सर्विस टू मैन इज द सर्विस इज इक्विवेलेंट टू सर्विस ऑफ गॉड तो एक तरीके से <coughs> जनमानस की सेवा के लिए सोशल सर्विस कर उनका मिशन था मास एजुकेशन रिलीजियस रिवाइवल एंड सोशल अवेकनिंग थ्रू एजुकेशन की भी बात की उन्होंने इसके अलावा देखिए जब यूनेस्को की स्थापना हुई तो फेडरिको मेयर जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को थे उन्होंने क्या कहा

Both place, the human being at the of their रखना है एम डेट डेवलपमेंट मतलब उसका विकास होना चाहिए बोथ प्लेस टॉलरेंस एट द एजेंडा फॉर बिल्डिंग पीस एंड डेमोक्रेसी एंड बोथ रिकोगनाइजी ऑफ ह्यूमन कल्चर आस्पेक्ट ऑफ द कॉमन हेरिटेज मतलब कितने वो प्रोग्रेसिव थे हमको ये समझना चाहिए है ना तो ये रहा उनका आ, बेसिक फिलॉसफी मतलब फिलॉसफी उनकी वेदांत और अद्वैत से जुड़ती है डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की वो बात करते हैं वो स्पिरिचुअल यूनिटी ऑफ द यूनिवर्स की बात करते हैं वो मैन मेकिंग एजुकेशन की बात करते हैं वो कहते हैं कि बालक के पास सब कुछ है हमको सिर्फ उसको ये एहसास दिलाना है कि तुम्हारे पास कितनी बुद्धि है कितनी सामर्थ्य है तो वो खुद ही सब कुछ हासिल कर लेगा ठीक है so happy winters to all of you and thank you and don't forget to like and subscribe my channel explore education okay done from my side